मकर संक्रांति का पवित्र त्यौहार इस वर्ष 15 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। सूर्यदेव 14 तारीख की रात को 8:50 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, परंतु हम लोगों में उदया तिथि के अनुसार ही दिन माना जाता है, इसलिए 15 तारीख के सुबह सूर्यदेव मकर राशि में मिल रहे हैं, इसलिए 15 तारीख को मकर संक्रांति का पवित्र त्यौहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र यानी शनि देव के घर में प्रवेश करते हैं। शनि की दो राशियां होती है, एक मकर और एक कुंभ। तो मकर राशि में प्रवेश के साथ सूर्यदेव अपने पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण आज के दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के दिन से ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव उत्तरानारायण हो जाते हैं, यानी कि आज के दिन से शुभ कार्य सारे शुरू हो जाते हैं। जो शादी विवाह इस समय नहीं हो रहे थे, खरमास लगा हुआ था, तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आज के दिन से सारे पवित्र काम यानी कि शादी विवाह, अगर किसी ने गृह प्रवेश करना है, भूमि पूजन, सारे कार्य, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, इसलिए आज के दिन से अच्छा समय माना जाता है। आज के दिन नहान की विशेष महत्व है। हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर हम गंगा स्नान या पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही स्नान करना चाहिए, परंतु अगर हो सके तो थोड़े से गंगा जल अपने ऊपर ज़रूर डाल लेना चाहिए या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन दानी पुण्य का विशेष महत्व है। दान पुण्य में तीन चीज़ों का विशेष महत्व होता है। एक होता है कि खिचड़ी का दान जरूर निकालना चाहिए, दूसरा तिल के लड्डू का दान जरूर निकालना चाहिए, और तीसरा है कि उन्हीं कंबल निकाल दे सकते हैं या उन्हीं कपड़े दान कर सकते हैं। ये तीनों दान करने से इस जन्म के कर्मों के अनुसार तो जो हम फल भोगते हैं, पिछले जन्म के भी जो हमने पाप पुण्य किए होते हैं उसमें भी हमें हमारी कमियां खत्म होती हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो खिचड़ी का दान होता है उसमें चावल और उड़द की दाल का दान किया जाता है। जो चावल होते हैं वो अक्षत यानी अक्षत माँ के सूचक माने जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जब हम अक्षत का दान करते हैं तो विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और साथ में जब हम उड़द की दाल मिक्स करते हैं तो शनि देव रिगार्डिंग यानी शनि रिगार्डिंग अगर कोई भी इश्यूज होते हैं लाइफ में, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के दिन उड़द की दाल मिला के चावल यानी कि खिचड़ी का दान करना चाहिए, साथ में थोड़ा सा नमक ज़रूर रखना चाहिए। दूसरा, हमें तिल के लड्डू का दान जरूर करना चाहिए। जो तिल का लड्डू होता है वह तिल, गुड़ और घी से मिलके बना होता है। जो घी होता है वो सूर्य देव का सूचक होता है, जो गुड़ होता है वो बृहस्पति देव का सूचक होता है, और तिल शनि देव का सूचक होता है। तो जब तिल के लड्डू का दान करते हैं तो तीनों ही का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यानी ये एक ऐसा दान है जिसमें हम गुरु के कर्मों से भी मुक्त होते हैं, यानी जो हमें गुरु दोष लगा होता है या गुरु के रिगार्डिंग कुछ भी हमने गलत किया होता है उससे भी हमें मुक्ति प्राप्त होती है, सूर्य देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आज के दिन तिल के लड्डू का दान अवश्य करना चाहिए। तीसरा, हमें ऊनी कंबल या ऊनी वस्त्र जरूर दान करना चाहिए, हो सके तो कोढ़ी मनुष्यों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनि रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज होते हैं या शनि जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि शनि देव आज के दिन बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके पिता उनके घर में आए होते हैं। इस वर्ष 14 तारीख से ही बुध भी वक्री हो रहे हैं और शुक्र तो वक्री चल ही रहे हैं, इसलिए कुछ राशियों के को आज के दिन पालक का दान करना भी आज के दिन अच्छा रहेगा। साथ में इस वर्ष हो सके तो आप पालक ज़रूर साथ में दें या मूली का दान कर सकते हैं, लेकिन पत्तेदार मूली के को दीजिएगा, यानी कि मूली में साथ में पत्ते लगे हों ऐसी मूली का दान करिएगा तो बुध रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें कमी होगी। आइए बात करते हैं किस किस राशि को कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को बेसिक दान के साथ साथ गुड़ का दान जरूर निकालना चाहिए। ऐसा करने से ऊपर वाले का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा और उनकी ज़िंदगी में धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन खंड का दान करना चाहिए या खीर का दान करना चाहिए, चाहे तो कच्चा चावल, दूध और चीनी का दान भी निकाल सकते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को बेसिक दान के अलावा पालक या मूली का दान जरूर करें, मूली में पत्तेदार मूली का दान करें। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को आज के दिन खंड का दान करना चाहिए, खंड यानी चीनी का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से यह वर्ष उनका अच्छा जाएगा। पांचवी राशि है सिंह राशि।
सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन घी का दान करना विशेष महत्व रहेगा। आप बेसिक दान के साथ घी का दान भी जरूर करिएगा। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भी पालक का दान करना इस वर्ष काफी हितकर रहेगा। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को आज के दिन खीर का दान करना विशेष महत्व कर रहेगा। बेसिक दान के साथ खीर का दान जरूर करिए और खीर को सबसे पहले विष्णु जी को अवश्य चढ़ाइए। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन गच्चक का या तिल के लड्डू का दान अवश्य करिएगा। गच्चक अगर आप लीजिएगा तो गुड़ की लीजिएगा, खंड वाली गच्चक मत दान कीजिएगा। नौवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों को आज के दिन गुड़ का दान करना विशेष महत्व कर रहेगा। गुड़ के साथ आलू जरूर रखिएगा। दसवीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को तिल के लड्डू का दान अवश्य करेगा। बेसिक दान के साथ आप तिल का अलग से एक पैकेट जरूर रख दीजिएगा या 250 ग्राम तिल अलग से सूखा रख के दान अवश्य कीजिएगा। ग्यारहवीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को बेसिक दान के अलावा सरसों का तेल जरूर दान करना है। ऐसा करने से ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी इशू इस बार उनकी लाइफ में नहीं आएंगे। बारहवीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष बेसिक दान के साथ साथ गच्चक का दान और साथ में गुड़ का दान करना विशेष महत्व कर रहे। आशा करती हूँ ऊपर वाले के कृपा दृष्टि आप सब पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शुक्ला सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी।